ढकने वाला हूँ पूरी तरीके से बर्फ में। आ हा 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 हा, क्या मजा है यार, क्या मजा है। बस गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज राठौड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी हम हैं अपने होटल में और आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा कतल वाली मौसम हो रखी है, क्योंकि आज हमें निकलना है सुबह सुबह गुलमर्ग के लिए। हालांकि टाइम अभी हो चुका है तकरीबन 7 बज रहा है ना भाई, 7:30 हो रहे हैं, तो अभी 7:30 हो रहे होंगे, पता नहीं कितने हो रहे हैं यार, क्योंकि मैंने टाइम अभी देखा नहीं है एक्चुअल में। और मौसम की बात करूँ तो कल पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे, और सोनमर्ग में तो स्नोफॉल भी बढ़िया से हुई है। तो अगर आज आप पूरी तरीके से गुलमर्ग को एंजॉय करना चाहते हो तो बने रहना वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ज़्यादा पसंद आए या फिर अगर आपको कुछ और जगहों के बारे में जानना हो या देखना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे उसके बारे में हम ज़रूर नॉलेज आपको देंगे। तो आइए और चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ तो भाई साहब, मौसम का मिजाज तो ऐसा है कि मत पूछो। अभी आप पीछे में देख सकते हैं बारिश भी हो रही है और मौसम पूरी तरीके से सुहाना बना हुआ है, और ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा तो भाई अलग ही अलग है। तो देखते हैं कि इस मौसम में हम कितना एंजॉय कर सकते हैं। वैसे लैंडस्लाइड होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बारिश के मौसम में, बट कोई नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा। सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है, गाड़ी भी खड़ी है, अभी बस अपने आप को निकलना है। हम सब रेडी हो चुके हैं और देखो, आप जैसे देख सकते हो पीछे में कुछ भी दिख नहीं रहा होगा आपको, एकदम सारी की सारी चीज़ें। देखो वहाँ पे पहाड़ है, वह धुंध से भरा हुआ है, तो वैसे अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और बारिश हो रही है। बस अपने को अब निकलना है, थोड़ी सी बारिश हल्की हो तो निकलने का प्रोसेस जो है शुरू होगा, देखते हैं क्या होता है। तो हेलो गाइस, वापस मैं आ चुका हूँ अभी गुलमर्ग पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ का वेदर कैसा है। हल्की फुल्की स्नो हो रही है और धुंध पूरी तरीके से भरा पड़ा है चारों तरफ। आप देख सकते हो किस तरीके से धुंध भरा पड़ा है, और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, ठंड बहुत ज़्यादा है, अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, और गले सूख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहे हैं। हालांकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन बाय गॉड यकीन मानो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये। देखते हैं आगे कब तक जाते हैं, अभी तो फिलहाल पैदल जाने का प्लानिंग था हमारा, बट मौसम इतना ख़राब है, अगर घोड़ा लेना हुआ तो घोड़ा लेते हैं, और अगर कुछ लेना होगा तो ज़रूर हम लेंगे और आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही। भाई साहब, एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे घोड़ों वाले की यूनियन है और यहाँ पे इन लोगों ने लूट मचा रखा है, क्योंकि एक्चुअली में मैं जब आया तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रेट चार्ज किया घोड़ों का, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने बोला कि मेरे को नहीं करने हैं और मैंने अपनी कार में वापस बैठा, और वापस बैठने के बाद जब जाने लगा तो इन लोगों ने 4000 वाले रेट 1000 पे ला के रख दिया, और इन्होंने बोला कि और किसी को बोलना नहीं होना। मैं आपको ये सारी बातें बताते रहूँगा, लेकिन अभी मैंने इन लोगों का कोई भी सर्विस नहीं लिया है, और फिलहाल आप जस्ट रास्ते को इंजॉय करो, और क्या बोलते हैं उसे, यहाँ के धुंध को एंजॉय करो, बादल को एंजॉय करो। ये जो आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये पूरे के पूरे बादलों से ढका हुआ है और हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। भाई साहब, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा कतल है, बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत बढ़ी हुई है भाई साहब, कैमरा हाथ में ले रखा हूँ, हाथों में ग्लव्स नहीं है, बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और जैसे आप देख सकते हो किस तरीके से बर्फ मेरे सर के बालों पर रुका हुआ है और मेरे जैकेट के ऊपर भी गिर रहे हैं, तो आनंद लो, आप भी मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे को, और आपको भी लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्नोफॉल अभी का फ्रेश स्नोफॉल है और बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है, इस मौसम का आनंद तो मैं उठा ही रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आप लोग भी इस मौसम को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे,
और अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप बेशक आना, लेकिन हाँ इन यूनियन वालों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि इन लोगों का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है और बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हालांकि जब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं जाना है तो ये लोग बार्गेनिंग करने पे रेडी हो जाएंगे और आपको चीप रेट में सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो देखो जैसे ये अभी मेरे सर पे बर्फ़ के बूंदे गिर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देख करके। स्नोफॉल भाई साहब, लाइव स्नोफॉल, मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत से वादियों का सैर भी कराऊंगा अगर मौका मिले तो। अभी तो फिलहाल यहीं पे नीचे में मेरे को स्नोफॉल का पूरी तरीके से मज़ा मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से स्नोफॉल हो रहे हैं और देखते हैं आगे जाते हैं तो कितना स्नोफॉल देखने को मिलता है। अभी फिलहाल इसी छोटी बहुत स्नोफॉल का आनंद लेते हुए और देखता हूँ आगे जाकर के क्या क्या देखने को मिलता है। ओ भाई आँख में मत मार यार, बुरा हाल हो रखा है ठंड में, बुरा हाल हो रखा है ठंड में बहुत ज़्यादा। देखते हैं आगे क्या मिलता है, मेरे को कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है। ऊपर से बादलें भी गरज रही हैं। देखो ये लोग यूनियन वाले के चपेट में आ गए हैं और ये लोग अपने घोड़ों के साथ में जा रहे हैं। थकने वाला हूँ पूरी तरीके से बर्फ में। आ हा 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 हा, क्या मज़ा है यार, क्या मज़ा है। बस ये तो नीचे में मिल गई मेरे को, अब ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को तो। ओ भाई गजब गजब, पथेरे पर रहे पथेरे। भाई साहब आप जब भी आना, ये तो किस्मत से हमें स्नोफॉल अभी मिल गया, लेकिन आप जब भी आना नवंबर दिसंबर में आना आप यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करने वाले हो। यकीन मानो अगर आप आते हो नवंबर दिसंबर में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है और आप इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करने वाले हो। टूर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और वैसे तो बहुत आगे हम नहीं गए, यहीं से वापस जा रहे हैं। बहुत ठंड है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है कि आपके भाई को ठंड लगे, ठीक है। सांस फूल रही है यार, बहुत तेज़ सांस फूल रही है। अभी देखो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं।